दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि केसी 4 है, इसका वाटर जैकेट जाम हो जाए तो इसे कटिंग करके और नया इसका प्लेट कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि केसी 4 कंप्रेसर का वाटर जैकेट बहुत जाम हो गया था और यहाँ पर ये कटिंग हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि ये कटिंग हो रहा है और काट कर निकला जा रहा है, और बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे कचरा यहाँ पर जमा हुआ है और पूरी तरह सीमेंट जैसा जम गया था। और इधर भी आपको दिखाता हूँ कितना यहाँ सीमेंट जैसा निकल रहा है, पत्थर हो गया है जमकर। और ये जो सर्कुलेशन होता है पानी का, ये भी पूरा बंद हो गया था और पूरा पत्थर जैसा हो गया था। तो यहाँ कटिंग करके निकाला जा रहा है और नीचे साइड का देख सकते हैं कि कटिंग हो गया है और इस साइड का भी कटिंग हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर वाला जो प्लेट है ये कटिंग होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस तरह कटिंग करके कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से कटा हुआ है और यहाँ गैस कटर का यूज़ किया जा रहा है, न कि कटर का, ठीक है। हैंड कटर ना ही यूज़ किया जा रहा है, गैस कटर से इसको कटा जा रहा है। और इसके बाद इसको बराबर करके इसमें दूसरा प्लेट लगेगा, तो दिखाएंगे कि प्लेट इसमें दूसरा किस तरह लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कटिंग हो रहा है, ठीक है। इधर से बाकी है, अभी इस साइड से बाकी है, ऊपर से भी बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पूरी कटिंग हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और प्लेट इसके बराबर लगेगा या इससे ऊँचा लगेगा, ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो अंदर का जो फर्शन है ये अच्छी तरह साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है, और इधर भी पूरी तरह साफ़ हो गया है, ठीक है। और ये जो है इसको बराबर कर लिया गया है, ग्राइंडिंग मारकर ग्राइंडिंग कर लिया गया है इसको। और ग्राइंडिंग करने के बाद इस तरह का जो प्लेट है, आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये 14 गेज का है। आप चाहें तो इससे मोटी एक सूट का भी लगा सकते हैं, तो ये 14 गेज का इसमें लग रहा है और ये MS सीट है, ठीक है। आप चाहें तो स्टैंडर्ड स्टील भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टील होता है वो भी लगा सकते हैं। तो ये जो है ये 4 इंची चौड़ा है, 4 इंची चौड़ा है, और यहाँ इस तरह देकर, यहाँ इस तरह देकर वेल्डिंग होगा, ठीक है। इसको वेल्ड कर दिया जाएगा और जहाँ जहाँ इसका पानी का पाइपलाइन होगा वहाँ पर इसमें होल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह चादर लग गया है और यहाँ सॉकेट लगेगा, ठीक है, वो भी MS सॉकेट होगा, ठीक है। और इस तरह देख सकते हैं कि वेल्ड हो गया है अच्छी तरह, और नीचे एक पाइपलाइन का होगा पानी का और एक साइड में, ठीक है। अभी नीचे से वेल्डिंग बाकी है,
ठीक है, ऊपर ऊपर वेल्डिंग हो गया है, उसको ग्राइंडिंग करके फिनिश करके ही और सारा कुछ करके इसमें पेंट होगा। ठीक है, जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। इस तरह कई कंप्रेसर्स के लिए किया गया है इस तरह का काम, तो ये बढ़िया काम करता है, बिल्कुल ही नए जैसा हो जाता है। जब भी इसमें जाम हो जाए, अगर एसिड देने से भी साफ ना हो, तो इस तरह इसको कटिंग करके ठीक किया जा सकता है और नया चादर लगाकर, नया सीट लगाकर वेल्ड करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसको पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा। और देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी तरह होल हो गया है, इधर भी, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, पानी पूरी तरह घूमेगा। देख सकते हैं दोस्तों कि ये काम कंप्लीट हो चुका है और ये जो एल्बो है यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, उसी तरह वहाँ पर भी एक सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, 3x4 का है और अंदर का भी जो बाकी था वो भी हो गया है, प्लेट लगाकर इसमें भी हो गया है। ठीक है, अब इसे चेक करना है, चेक करके और इसको ओके करके फिर इसको इसी कलर में, जिस कलर का ये कंप्रेसर उसी कलर में इसको भी पेंट कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल ही वैसा ही दिखेगा जैसा कि नए में दिखता था। तो देख सकते हैं कि दोस्तों कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।